नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल रॉयल रिपोर्टर पर। और साथियों, हम पहुंच चुके हैं अभी पटना के इको पार्क, जिसे राजेंद्र वाटिका भी बोला जाता है। और लॉकडाउन के बाद जो नया गाइडलाइंस आया, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे जाना है और क्या क्या बदलाव आया है, उन सब सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलने वाली है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो मेन गेट है बंद है, कुछ लोग हैं, लेकिन जो सीमित जो समय था वो समय सीमा को बहुत ही घटा दिया गया है, यानी कि बहुत ही छोटा कर दिया गया है, ताकि कोरोना को भी हर चीज़ को देखना है। तो कोशिश करते हैं जानने के लिए यहाँ किस प्रकार से है। और कुछ लोग भी यहाँ से जो आए हुए हैं घूम कर अंदर से, उनसे पूछते हैं पार्क के बारे में। तो यहाँ से हमारे साथ सज्जन है। सर, आप पार्क घूम कर अभी आए क्या? नहीं, पार्क में तो नहीं हो गया। अच्छा, आप पहुँचने में देरी हो गई? ना, रोड जाम हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लोग भी आए हैं जो थोड़ा सा देर की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। तो कोशिश करते हैं जानने की कि क्या स्थिति रही है कोरोना गाइडलाइंस की। तो चलिए पूछते हैं और किस प्रकार की यहाँ पर आने पर क्या क्या बदलाव है कोरोना के पहले की और अभी की। तो यहाँ हमारे साथ गार्ड जी है, तो उनसे पूछें, गार्ड जी क्या क्या बदलाव आया है और कितना कितना समय से खुल रहा है? 6 बजे से 12 बजे तक खुल रहा है। और क्या क्या चीज़ है, मतलब मास्क वगैरह अभी अंदर पहन कर जाना पड़ रहा है? मास्क पहन के जाना है। टेम्परेचर वगैरह चेक कर रहे हैं? अभी चेक कर रहे हैं। अच्छा, अंदर अगर मतलब कि ऐसा भी है क्या कि इतना ही लोगों को जाना है, या सीमित ऐसा है क्या, उसके बारे में जानकारी? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आ सकते हैं जितना भी लोग आ सकते हैं, लेकिन जो है मास्क अगर आपको प्रॉपर पहनना पड़ेगा। और टेम्परेचर वगैरह चेक हो रहा है? तो टेम्परेचर वगैरह भी चेक हो रहा है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से देखिए। और जब भी आए तो कोशिश कीजिए 12 बजे से बहुत पहले, यानी कि अगर 12 बजे से 10-15 मिनट भी आते हैं तो एंट्री आपको नहीं मिलने वाली, आप कोई भी हो या मीडिया भी।